नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 प्रमुख खबरों पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत, वहीं 3 की हालत गंभीर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया है दुख। वहीं पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि घटना पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है। दूसरी खबर का रुख करते हैं तो बैंक ऑफ ब्रिटेन ने ब्रिटेन में पिछले 300 सालों की सबसे बड़ी मंदी वर्तमान आर्थिक गिरावट को बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का तो बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश को बुद्ध की राह पर चलने की ज़रूरत है और हम एक होकर के किसी भी महामारी किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो देश में कोरोना के अब तक 56,342 मामले सामने आ चुके हैं। 1,886 लोगों की मृत्यु भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं 16,540 मरीज ठीक होकर अपने घरों की ओर वापस लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं तो बीते 24 घंटे में 3,390 नए केस सामने आए हैं। वहीं 103 लोगों ने अपनी कोरोना की वजह से जान भी गंवाई है। महाराष्ट्र के मुंबई के आर्थर रोड जेल में 17 कैदी और 26 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अब जेल को सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आज पॉजिटिव कैदियों और कर्मचारियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत, वहीं 800 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती, साथ ही साथ कई हज़ार लोगों के चपेट में आने की आशंका है। प्लांट के चारों तरफ के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे के सभी गांवों को खाली करा लिया गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी पेपर मिल में गैस रिसाव होने की वजह से 7 मजदूर चपेट में। आपको बता दी, यह पेपर मिल पिछले 2 महीनों से बंद थी। अगली खबर की बात करें तो दुनिया भर में 2,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं 39 लाख से भी अधिक लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ओडिशा में गुजरात से मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेन को हाई कोर्ट ने अगले आदेश आने तक रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि गुजरात से सिर्फ उन्हीं मजदूरों को ओडिशा लाया जाएगा जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।